हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का हमारा इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है। आज एट्थ नंबर के पार्ट में हम एंट्री करेंगे और इंटीग्रेशन में हम स्पेशल पैटर्न के जो इंटीग्रेशन है वो आपको करा रहे हैं। तो आज हम जो इंटीग्रेशन का स्पेशल पैटर्न लेके आए हैं, आप मान के चलो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में इसका आने का चांस 100% होता है, चाहे आपको कोई भी बोर्ड हो। तो आप स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है और यह एक स्पेशल पैटर्न है। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन के बेस पर ही समझाऊँगा। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको लेते जाता हूँ और एक एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो बनेगा, ठीक है। इसका आप अच्छे से तैयारी करना। पैटर्न फिक्स है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन करने के बाद उस तरह के सभी क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डी एक्स अपॉन 3+2 कॉस स्क्वायर एक्स आई इक्वल डी एक्स अपॉन 2+3 कॉस स्क्वायर एक्स, 2+3 कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 3+2 कॉस स्क्वायर एक्स, वो सब चलेगा लेकिन एग्जैक्ट मुझे जैसे बता दें हम, क्वेश्चन तो कैसे भी हो सकता है ना, 3+2। हाँ, अब देखो ये पैटर्न है क्या, पहले आपको पैटर्न को पहचानना है। तो पैटर्न है डी एक्स अपान एक कांस्टेंट रहेगा। एक्चुअल में इस पैटर्न का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका फॉर्मेट है। इस पैटर्न पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर ए की जगह 3 कांस्टेंट है, बी की जगह 2 कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो मैं आपको एक एक फॉर्मेट पर एक एक क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ और एक क्वेश्चन ही सफिशियंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें करते क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मेथड को ध्यान में रखना कि हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये डी एक्स अपॉन इसमें क्या करते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम ब्रैकेट के बाहर मतलब कॉमन कर लेते हैं। तो ये जब कॉमन हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, तो अंदर में दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवीजन होगा, तो 3 में होगा, तो 3 अपन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो गया 3 से स्क्वायर एक्स हो गया, क्लियर। और ये हो जाएगा +2, क्योंकि 2 में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड होगा तो वो 1 हो जाएगा, दैट इक्वल। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और अपॉन ये तो ऊपर चला गया, और इसको 3 सेक स्क्वायर एक्स को लिखो आप 1+10 स्क्वायर एक्स। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। देखो मैं लगभग हर वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ कि जो स्पेशल पैटर्न है वो डिफ़िकल्ट नहीं बल्कि आसान है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेथड तो फिक्स होता है कि मुझे करना क्या है, बिल्कुल इसी मेथड पर चलेगा चाहे ये क्वेश्चन हो। यदि इस फॉर्मेट पर है तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, क्लियर यहाँ तक। अब जैसे ही सेक और टेन क्रिएट होगा तो सीधी सी बात है, आपको टेन को टी सपोज करना है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट नाउ पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, क्लियर। तो 10x का डिफरेंशिएशन, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो देयरफॉर sec स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। और आप समझ सकते हो इसीलिए क्या किया गया है, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, ये जो sec स्क्वायर आए, ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आए, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा सके, क्लियर। तो इस तरह से अब हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में चला जाएगा, देखो देयरफॉर आई इक्वल टू आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इसको हम लिख सकते हैं डी टी, न्यूमरेटर डी टी हो गया, और अपॉन ये 3 अंडर ब्रैकेट 1+10 स्क्वायर एक्स, तो 1+t² +2 दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये टी स्क्वायर, 3t² को अलग लिखो 3t² और +3+2 5 हो जाएगा, दैट इक्वल। अब इसको हम ला सकते हैं किस फॉर्म में, x² + a² के फॉर्म में, तो 3 को मैं कॉमन कर लूँ 1/3, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t
टी स्क्वायर प्लस ये होगा 5/3 जिसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 5/√3 का होल स्क्वायर या √5/3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमारे किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें तो फार्मूला क्या होता है, दैट इक्वल 1/3 तो 1/3 रहेगा इंटू 1/a तो 1/a का वैल्यू ये है √5/3 इंटू 10 इनवर्स x/a तो x का वैल्यू क्या है t और अपान है √5/3 और प्लस c। बाद में क्या करेंगे हम t का वैल्यू पुट अप कर देंगे, देखिए आंसर क्या आता है, अब हम आगे इसका वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ठीक है। देखो इसको सिंपलीफाई करें थोड़ा अपन, तो ये √3 है, √3 टाइम में कैंसिल होगा तो हो जाएगा 5√3 तो 1/5 लिख सकते हैं √15 इंटू 10 इनवर्स, इस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन में आंसर, √3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया √3 इंटू टी का वैल्यू अपने पास क्या है 10x, ठीक है। टी का वैल्यू पुट अप करेंगे तो √3 10x अपॉन √5 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आगे समझ में आप लोग को, तो देखिए ये है इसका फाइनल आंसर। तो क्या करना है, सिर्फ ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन हमको मिलेगा इस फॉर्म में तो हमको डिनोमिनेटर से हर से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन करना है, ऊपर ले जाकर सेक कर देना है और इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैं एक एक पैटर्न पर एक एक क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ और उसके बाद आप इस तरह के दूसरा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन वैसा ही बनेगा और ये यहाँ पर पहुँचने के बाद तो आपको पीछे के टॉपिक पर रिविजन में चले जाते हो क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपने पीछे बहुत किया है। सिर्फ यहाँ पर तो स्पेशल पैटर्न कहने के लिए कई लोग को लगता है डिफिकल्ट टाइप के हैं, डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअल में ये ईजी है क्योंकि यहाँ आपको नया कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक साइन वाला ले लेते हैं, क्लियर। पैटर्न है dx अपॉन a प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, या a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, पैटर्न को भी मैं यहां लिख देता हूं। पैटर्न है i इक्वल टू dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में, और क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेते हैं आई, ये रेड में लिखा हुआ पैटर्न है, ठीक है, dx अपॉन ये क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये पैटर्न है, दैट इक्वल अब देखो dx। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर भी वही काम करना है सेम टू सेम, चाहे साइन रहे चाहे कास रहे, मेथड सेम टू सेम है, हमको यहाँ से कास स्क्वायर को कॉमन करना है, ठीक है, नहीं है तो भी करना है, कास ही करना है, ध्यान रखना, कास रहे तब तो कास करना ही है और ना रहे तो भी करना है क्योंकि बेसिकली हमको सेक और टेन क्रिएट करना है, मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने क्वेश्चन में सेक और टेन क्रिएट करना है और बाद में टेन को टी सपोज करना है, सेक स्क्वायर लाना है और करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन कर लिया कास स्क्वायर एक्स को, कास स्क्वायर एक्स को जब हम कॉमन करेंगे तो 2 अपॉन cos² x मतलब 2 sec² x हो जाएगा, क्लियर, और प्लस यहाँ से अपन cos² x कॉमन करेंगे तो sin² x अपॉन cos² होगा, उसमें डिवाइड होगा और तब वो हो जाएगा क्या 10 स्क्वायर x, फाइनली हमको 10 और sec लाना है, दैट इक्वल अब आप देखो ये क्या हो जाएगा dx ये ऊपर चला गया तो ये ऊपर जाके हो जाएगा क्या sec² x इंटू dx और अपान में ये 2 sec² x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख लिया हमने sec स्क्वायर एक्स को और प्लस ये 10 स्क्वायर एक्स तो है ही अपने पास। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, दैट इक्वल ये हो जाएगा sec² x dx और अपान देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, ये हुआ। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पीछे का पैटर्न आगे तो आप लोग कर सकते हो,
टेन को अपन क्या सपोज कर लेंगे, टी। नाउ पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, देयर फॉर sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयर फॉर क्वेश्चन विल बी डी टी अपॉन थ्री टेन स्क्वायर एक्स, तो थ्री टेन एक्स का वैल्यू टी, तो क्या हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर प्लस टू। अब आगे वही वही काम है, देखो आगे तो हमको वही बताते, खुद बोरिंग लगने लगा, आप लोग भी समझ गए होंगे। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं रूट टू बाई थ्री, ये रूट पूरा रहेगा ना, इसमें डिवाइड कर दिए इसका, और रूट रूट में लिख रहा हूँ उसको रूट टू बाई थ्री का होल स्क्वायर। नाउ फाइनल आंसर इज वन अपॉन थ्री, वन अपॉन ए, वन अपॉन रूट टू बाई थ्री इंटू टेन इनवर्स टी अपॉन रूट टू बाई थ्री, दैट इक्वल, ये रूट थ्री टाइम में कैंसिल होगा, तो वन अपॉन रूट ऑफ सिक्स इंटू टेन इनवर्स टी का वैल्यू अपन पुट करेंगे, टी का वैल्यू क्या है टेन एक्स, रूट थ्री ऊपर चला गया, तो रूट थ्री इंटू टेन एक्स अपॉन रूट टू प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके देखिए क्या आंसर दिया है, वन अपॉन रूट सिक्स टेन इनवर्स रूट थ्री टेन एक्स अपॉन रूट टू प्लस सी। ओके तो आसान है ये पैटर्न, हो गया क्या साइन वाला, तो एक कास वाला देखे एक साइन वाला देखे, अब एक देख लेते हैं साइन कास दोनों वाला, जिसमें साइन और कास दोनों बनेगा वैसे ही, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जिसमें साइन और कास दोनों हो। नेक्स्ट पैटर्न इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देखो इसमें मैं आर्टिकल पैटर्न कहीं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आर्टिकल ही है, समझ में फार्मूला ही है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, पैटर्न नहीं है, मैंने सीधा वही ले लिया, मतलब हम सीधा आर्टिकल को डिराइव कर दे रहे हैं कि उस फॉर्म का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो काम बिल्कुल वही करना है जैसा मैंने अभी बताया, वही काम करना है, पैटर्न सबका एक जैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, यहाँ से आप कॉमन कर लो क्या कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स अंडर ब्रैकेट इसमें डिवाइड होगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर डिवाइड होगा तो बच जाएगा सिर्फ क्या बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स ही फाइनली कॉमन करना है, चाहे साइन रहे चाहे कॉस रहे चाहे साइन और कॉस दोनों रहे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आपको टेन और सेक लाना है, उसके बाद क्वेश्चन बन जाता है। दैट इक्वल ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल कर दें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये ए स्क्वायर और इस टेन स्क्वायर एक्स को साइन अपॉन कॉस हुआ है ना, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रहने देंगे, भी क्या जरूरत है ना, टेन टेन तो टेन रहेगा, टेन को क्यों बदलेंगे अपन, चलिए तो ये तो ऊपर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस, या यहाँ से आप ए स्क्वायर को कॉमन भी कर सकते हो सीधा वन अपॉन ए स्क्वायर, बाद में करना है अभी कर दिया, चलो ज़्यादा आसान हो जाएगा, कभी भी करो, और ये हो जाएगा बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर को बाहर कॉमन कर दिया, पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है, नाउ पुट नाउ पुट टेन एक्स इक्वल टू टी therefore sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके तो फिर ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी, और अपान वन अपान ए स्क्वायर बाहर है, ये वन अपान ए स्क्वायर रहेगा, और टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा बी अपान ए का होल स्क्वायर। आगे फार्मूला फॉर्म में, अब फाइनली इसी फॉर्म में आना ही है उसको, है ना, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग को, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस यही वन अपॉन ए, वन अपॉन ए का वैल्यू ये है बी अपॉन ए का होल स्क्वायर
इंटू, ये तो आर्टिकल ही है ना, फार्मूला ही है, टी अपन ए मतलब बी अपन ए और ये प्लस सी, दैट इक्वल वैल्यू पुट अप कर दो, ए स्क्वायर इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपन बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स, अब टी, टी का वैल्यू क्या 10x, ए ऊपर चला जाएगा, ए 10x अपॉन बी प्लस सी, ये है आंसर। ओके तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, इसका आंसर देख लें क्या आया है, 1 अपॉन ए बी, अरे सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता ना, फार्मूला में 1 अपॉन ए होता है, फार्मूला में ये स्क्वायर नहीं होता, तो क्या होगा, एक ए कैंसिल होगा, 1 अपॉन ए बी होगा, ठीक, फार्मूला में 1 अपॉन ए कहाँ होता है, ए 1 अपॉन ए स्क्वायर कहाँ, 1 अपॉन ए होता है ना, और आगे का आंसर टेन इनवर्स ए 10x अपॉन बी प्लस सी, एक बार आंसर टेली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के मिस्टेक हो जाते हैं कभी धोखे से, तो एक बार आप लोग भी जब बनाते हो तो आंसर आपको टेली करना ही चाहिए कि फाइनल आंसर आया कि नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको स्पेशल, ये सभी राइटर में ये क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी हो, कोई भी राइटर हो, आरडी शर्मा हो, स्टेट बोर्ड के राइटर्स हैं, आरएस अग्रवाल हो, सब में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि इसके पैटर्न फिक्स हैं, आप जितने भी मैथमेटिक्स के राइटर हैं वो बुक आप उठाएंगे वो क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अब मैं जो क्वेश्चन में एंट्री कर रहा हूँ इस स्पेशल पैटर्न के ट्रिग्नोमेट्री पर ही, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके आने का चांस एग्जाम में 100% ये दो क्वेश्चन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसी में से ही कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, चाहे आप जिस भी बोर्ड के होंगे, सीबीएसई बोर्ड जनरली मैं कवर करता हूँ तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये क्वेश्चन है हाफ एंगल से बनता है, एक पैटर्न है डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉस एक्स, पहले बता दूं ए प्लस बी कॉस एक्स, ये पैटर्न है, ये बहुत फेमस पैटर्न है, और इसमें जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये क्वेश्चन गिनती नहीं है, इतने बार एग्जाम में आ चुका है, यही आता है प्राय, ऐसा है 5 प्लस 4 कॉस एक्स, ऐसा आपके पास कोई इंटीग्रेशन का बुक नहीं होगा जिसमें यह क्वेश्चन नहीं होगा, आप देख लेना आपके बुक में यह क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इस एक क्वेश्चन को करने के बाद ये वैल्यूज बस बदलेंगे 5 और 4, और जनरली उसका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि उसका स्क्वायर निकलता है, जैसे 5 प्लस 4 कितना होगा 9 होगा, और 9 का रूट निकाल सकते हो, ऐसा जनरली कॉम्बिनेशन होता है, ना भी हो तो उसमें परेशान होने का नहीं है, लेकिन ये 5 प्लस 4 का सबसे फेमस पेयर है, 5 कांस्टेंट और प्लस 4 कॉस एक्स, क्लियर। तो यहाँ पर भी बनाने का आपका तरीका है वो बिल्कुल वैसी रहेगा जैसे मैं भी बताया कि कॉस को कॉमन करना है, बस यहाँ पर स्क्वायर नहीं होने के कारण ये एक्स बाई टू वाले फार्मूला में आता है। चलिए तो यहाँ से प्रोसेस अपन स्टार्ट करते हैं, ये डी एक्स अपन, यहाँ से मैं कॉस एक्स को कॉमन कर दूँ तो हो जाएगा ये कॉस एक्स, और अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, कॉमन करने से पहले इसमें कुछ वर्क और करना पड़ेगा, कॉमन करने से पहले क्या है देखो, इसको दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, ये 5 है और 5 इंटू 1 है, वहां पर 5 मतलब इंटू 1 तो कहीं भी लिख सकते हैं अपन, और 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हाफ एंगल में लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर वेरिएबल एक्स है तो एस के फॉर्म में, तो इसको स्क्वेयरिंग फॉर्म में पहले बनाना होता है, मतलब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना है, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान में रखना। तो करना क्या है, मैंने बोला इसको 5 और इंटू ब्रैकेट में लिख दो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस ये जो 4 है तो 4 रहने दो, और कॉस को लिखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये आपने पढ़ा है पीछे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इस फॉर्म में इसको चेंज करो, क्या करना समझ में आ गया, ये करना है आपको, यहाँ पर इंटू 1 है उसको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर कॉस एक्स को इस फॉर्म में,
इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, कौन किसके साथ ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 5 साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू होगा दोनों, तो 5 में 4 माइनस होगा, 5 में 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्लियर। और यहाँ पर देखो 5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दोनों ऐड होगा तो 9, इसी की बात कर रहा था मैं, ये 9 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 9 होगा, इसी 9 की बात कर रहा था। अब स्क्वायर के पैटर्न में आ गया वो, मतलब इससे पहले जो पैटर्न है बताया और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको साइन और कॉस को स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहता था, लेकिन इस पैटर्न में आप क्या देख रहे हो, इसको आपको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। ओके, दैट इक्वल, अब हम वही काम करेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स अपन, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन में 10, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस ये हो गया 9, बाकी काम पीछे का, बस इसमें नया चीज़ क्या है, आप एक्स बाई टू देख रहे हो, दैट इक्वल यदि ऊपर चला जाइए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपन, ये है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 9 इंटू डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे वही 10x को t, बाकी काम तो सेम टू सेम है। नाउ पुट 10x by 2 इक्वल टू t, 10x by 2 को t पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, sec square x by 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा sec square x by 2 और x by 2 का अगेन डिफरेंशिएट होके सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 upon 2, तो 1 upon 2 sec square x by 2 dx और इक्वल टू डी टी, और 2 को हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, इतना तो आप समझ सकते हैं, अब तो बहुत सा क्वेश्चन करते हो गया, तो ये 2 को 1/2 आया है उसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर sec स्क्वायर x बाई टू डी एक्स जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, दैट इम्प्लाइज आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 2 dt अपन 10 स्क्वायर एक्स बाई टू को हमने t सपोज किया है तो हो गया t स्क्वायर और प्लस ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, दैट इक्वल, फार्मूला अप्लाई कर दो, क्या 2 तो बाहर हो जाएगा, ये अपने आप पहले से है और ये हो जाएगा 1/a मतलब 1/3, सब तो 10 इनवर्स के फॉर्म में आ रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है टी अपन 3 x upon a, that equal 2/3 10 inverse, t का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो t का वैल्यू क्या है अपने पास 10x by 2, ये हो जाएगा 10x by 2 और upon 3 plus c, this is the final answer, okay, ये final answer हो जाएगा। इस तरह से आप देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, तो a plus b cos x है उसी तरह से बनता है a plus b sin x वाला क्वेश्चन भी, जैसे अभी कास है उसमें साइन, तो उसमें थोड़ा सा ये ब्रेक करने का जो तरीका होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टेप होता है वो थोड़ा चेंज करते हैं, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में तो इस पैटर्न के क्वेश्चन है बहुत हैं, बस आपको इसके पैटर्न को समझते जाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैटर्न है हमारा अब I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी साइन एक्स के फॉर्म में, तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लेते हैं ये पैटर्न है वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी साइन एक्स का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 5-4 वाला ले लेता हूँ, 5+4 साइन एक्स, 5+4 ये दोनों पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का जोड़ी है, 5-4 का पेयर है, एक बार साइन के साथ एक बार कास के साथ, ये दोनों क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि कैसे करना है, बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और आपसे बन जाएगा, इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं होता कि आप उससे वो ना बने, डी एक्स बस मेथड समझना है, इंपॉर्टेंट बात है प्रोसेस,
देखो मैथमेटिक्स का बिहेवियर ऐसा है कि कहीं मेथड इंपॉर्टेंट है, कहीं पर क्वेश्चन की वैरायटी इंपॉर्टेंट है, कि हर क्वेश्चन में नया चीज़ सोचना है। तो कैलकुलस का जो स्पेशल पैटर्न है उसको नया नहीं सोचना है आपको, पैटर्न को दिमाग में रखना है, भाई ऐसा वाला ऐसा बनता है तो वैसे ही बनाना है उसको, आपको कुछ नया काम नहीं करना है, अपने आप वो अपने फ्रेम में आ जाएगा। तो 5 + 4 sin x, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन है कांस्टेंट, इसको स्क्वायर बाई 2 में लिखेंगे, ठीक है, और उसको 2 sin x / 2 कास्ट, तो 5 के साथ तो वही काम करेंगे जो हमने अभी किया था, 5 × 1, तो इसको हम लिखेंगे sin² x / 2 प्लस cos² x / 2, ये हो गया, और प्लस यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, प्लस ये जो 4 sin x है इसको 4 × sin x को लिख सकते हैं हम 2 sin x / 2 × cos x / 2। तो ये ध्यान में रखना हमने यहाँ पर क्या चेंज लाया, क्लियर। वहां पर हम क्या लिखे थे, sin² x / 2 cos² x / 2 लिखने के बाद cos² x को cos 2x, ठीक है, उस फॉर्म में लिखे थे cos² x - sin। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ध्यान है ना, एक बार आपको कंपेयर करा दूं मैं इसका, देखो यहाँ पर cos x को लिखे थे cos² x / 2 - sin² x / 2, और जब sin रहेगा तो sin x को लिखोगे 2 sin x / 2 cos x / 2, बाकी का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अब देखो यहाँ तो कोई किसी के साथ ऐड होगा नहीं, एक बार अपन ब्रैकेट ओपन करके लिख दें dx अपॉन 5 sin² x / 2 प्लस 5 cos² x / 2 प्लस 4 × 8 8 sin x / 2 × cos x / 2, ओके। अब हम वही काम करेंगे, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, cos² x / 2 को कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा cos² x / 2, और अंडर ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा 5 कांस्टेंट को अलग लिख दिया मैं, या इसी को पहले लिख देता हूँ, तो कास का डिवाइड होगा तो हो जाएगा 5 tan² x / 2 प्लस यहाँ से सिर्फ 5 बचेगा, और प्लस यहाँ से ध्यान देना इसमें से cos² x / 2 कॉमन हुआ है, तो एक कास कॉमन हो जाएगा, एक कास डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 10, तो हो जाएगा 8 tan x / 2, ये बचेगा, क्लियर। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस पैटर्न में जाने वाला है, cos² x / 2 को हम ऊपर ले जाएं, तो हो जाएगा sec² x / 2 अपॉन, यहाँ से ये ऊपर चला गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये 5 tan² x / 2, उसका जिसको पहले लिख रहा हूँ, प्लस 8 tan x / 2 और प्लस ये 5 कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा × dx, क्लियर। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 10x को 10x / 2 = t, therefore ये हो जाएगा 1/2 sec² x / dx = dt, ठीक है। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, फिर स्पेशल पैटर्न वाले क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर हम इसके दें वैल्यू को, तो therefore i = क्या हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा sec² x / 2 dx को हमने लिख दिया dt, और अपॉन ये हो गया 5 और 10² x को t, तो हो गया 5t² + 8t + 5। अब आप समझ गए किस फॉर्म में आ गया, ये ऐसा फॉर्म का क्वेश्चन आपने बहुत सा किया है, अब इसको मेरे हिसाब से आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको आप कर सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको होल स्क्वायरिंग बनाना है, ठीक है, ये dx/ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया, तो ये आप लोग को कर लेना है, ये आप लोगों का अपना वर्क है, कर लोगे, और उसके बाद मैं सीधा इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, कि करके दिखाना पड़ेगा पूरा, इतना तो कर सकते हो आप लोग। dt/5t² + 8t + 5, चलो कुछ स्टूडेंट्स न्यू देख रहे होंगे तो उनका हो जाएगा, बस 2 मिनट में इसको मैं इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ, एक बार क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट पेज में, i = dt /
क्या आया इसमें, 5t² + 8t, 5t² + 8t + 5, दैट इक्वल, पहले इसके कांस्टेंट को बाहर कर लो, 1/5, ये हो जाएगा dt/t² + 8/5t, प्लस ये कॉमन हो गया तो 1, दैट इक्वल 1/5, इसको होल स्क्वेयरिंग करना है तो dt, अब इतने को होल स्क्वेयर करना है तो ये तो हो गया t² प्लस मैंने क्या सिखाया था आपको 2ab, तो 2 और a का वैल्यू कितना है t, और b का वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पर एक क्रिएट करना है, 8/5 आए तो 2 तो आ चुका है, यहाँ पर 4/ क्या लिख सकते हैं अपन, 5 ऐसा लिख सकते हैं, तो 8/5 हो गया, तो b की जगह में क्या आया 8/5, अब क्या करना है अपने को, इसको ऐड करना है, मतलब 4/5 सॉरी ना, तो 4/5 का होल स्क्वायर ऐड करो माइनस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस करो और प्लस 1, क्लियर। तो पीछे के क्वेश्चन आप लोग जनरली इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि हम पीछे के क्वेश्चन में चले जाते हैं, ठीक है, लास्ट में, इसीलिए स्टार्टिंग का पैटर्न बिल्कुल चयन है, दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ये वाला जो पोर्शन है देखो, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये क्या है, ये किसका होल स्क्वायर है, ये है टी प्लस 4/5, टी प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको आप सॉल्व करो तो माइनस 16/5 + 1, एलसीएम आ जाएगा 5, तो माइनस 16 और प्लस 5, माइनस 16 प्लस 5 मतलब क्या हो गया, माइनस 11, क्लियर ना, माइनस 11, तो ये हो जाएगा माइनस 11, ये तो माइनस लिख लिया है मैंने सामने, 11/5, 11/5 का मैं सीधा रूट लगा के स्क्वायर कर देता हूँ, इतना, ओके, लेंदी हो गया क्वेश्चन, इस पैटर्न में क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। अब t प्लस 4/5 को आप सपोज कर लोगे क्या, t + 4/5 इक्वल टू u सपोज कर लो तो हो जाएगा dt = du, देयरफॉर क्वेश्चन हो गया i = 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ ये du ना, du इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन t + 4/5, तो t + 4/5 मतलब यू स्क्वायर और माइनस रूट ऑफ 11/5 का होल स्क्वायर, ओके, चलो ठीक है, दैट इक्वल किस फॉर्म में आंसर आया देख लूं भले एक बार, आंसर किस फॉर्म में आया इसका, फाइव प्लस फोर साइन एक्स था ना क्वेश्चन, कैसे कैसे आंसर आ गया, t + 4/5, 3/5, एक मिनट, कहीं पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, आंसर आ कैसे नहीं रहा है, ये 5 + 4 sin x है ना, 5 + 4 sin x, cos x / 2, 8, तो यहाँ तक तो ठीक है, ये कहीं मिस्टेक तो हुआ नहीं, आंसर आ क्यों नहीं रहा है। इसके बाद हमने किया +1 4/5, ये ठीक हो गया, यहाँ पर सॉल्व करने में मिस्टेक कर दिया, अरे देखो यहाँ पर एक मिनट देखो, इसको सॉल्व करने वाला पोर्शन तो हो जाएगा -4 square 16/5 = 25 + 1, 25 एलसीएम आएगा, -16 + 0, बताओ नाइन आएगा वहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, इसको सुधारता हूँ मैं ना, ये वाला पोर्शन कितना आएगा 9/25, मैं नीचे में 5 ही लिख दिया था लगता है हड़बड़ी में, -16 / 25 + 1 आएगा, मैं शायद 5 ही लिख दिया था ना, तो -16 + 25 उधर ध्यान नहीं गया मेरा, चलो ठीक है इसको करेक्ट करो, तो ये इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस ही रहेगा, नहीं सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया ये प्लस और 9/25, क्लियर। अब देखो इसका सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ से
यहां तक तो ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन तो सही है। देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन के बाद I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपन टी प्लस फोर अपन फाइव को हमने सपोज कर लिया है क्या यू स्क्वायर, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं थ्री अपन फाइव का होल स्क्वायर। ओके दैट इक्वल, अब वो फार्मूला फॉर्म में आ गया वन अपन ए, तो वन अपन थ्री अपन फाइव इंटू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स अपन ए, तो यू अपन थ्री अपन फाइव दैट इक्वल, ये हो जाएगा फाइव अपॉन थ्री इंटू टेन इनवर्स, फाइव ऊपर चला जाएगा तो फाइव यू, और यू का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यू का वैल्यू टी प्लस फोर अपॉन फाइव, टी प्लस फोर अपॉन फाइव और अपॉन थ्री प्लस सी दैट इक्वल फाइव अपॉन थ्री टेन इनवर्स, ये अंदर फाइव का मल्टीप्लाई करूँ तो फाइव टी, फाइव टी का, और टी का वैल्यू हमने क्या पुट किया है, टी पुट किया है, देखो पीछे से किसको टी पुट किया है हमने, टेन एक्स बाई टू को टी पुट किया है, तो टेन एक्स बाई टू हो जाएगा फाइव इंटू टेन एक्स बाई टू, और फाइव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस फोर अपॉन थ्री प्लस सी। एक बार फाइनल आंसर चेक करें, टू अपॉन थ्री टेन इनवर्स फाइव टेन एक्स बाई टू प्लस फोर अपॉन थ्री, टू का कहाँ से मिस्टेक है, टू बाई थ्री आना चाहिए, क्या हो गया मेरा दिमाग, कहाँ पर मैंने कॉमन वामन करने में मिस्टेक कर दिया, अरे sec square x dx वन अपॉन टू टू आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको sec square x dx का वैल्यू फाइंड करना है, तो टू को इधर ट्रांसफर करना भूल गए अपन, ठीक है, तो टू टू dt हो जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही किया था, ये होगा टू dt, और वैल्यू जब हम पुट अप करेंगे तो यहाँ पर टू छोटा छोटा मिस्टेक परेशान कर देता है, देखो ये टू को उधर ट्रांसफर करना भूल गया था, टू dt आएगा, इसके बाद फाइव टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस फाइव, टू डी टी अपन फाइव एट टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस फाइव प्लस एट टी प्लस फाइव ना, इसके बाद वन अपॉन फाइव यहाँ से मल्टीप्लाई, एट अपॉन फाइव, तो टू डी टी आएगा यहाँ पर, टू डी टी, टू डी टी, तो यहाँ पर ये टू अपॉन फाइव, ओके देखो एक बार कहीं पर छोटा सा मिस्टेक होने से परेशानी क्या हो जाती है, टू अपॉन फाइव हो गया, इसके बाद यहाँ पर बाहर टू अपॉन फाइव है, इसको भी यहाँ लिखना भूल गया मैं, वाह टू अपॉन फाइव ही लिखना भूल गया था यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर टू अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव, अब एक फाइव इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो ए होगा, तो टू अपॉन थ्री, तभी क्वेश्चन आंसर में टू अपॉन थ्री आ रहा है, कर लेना भाई करेक्ट इसको ना, टू अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री, एक जगह लिखना उसको भूला, ओके तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, बुक में आंसर जो दिया हुआ है टू अपॉन थ्री टेन इनवर्स फाइव टेन एक्स बाई टू प्लस फोर अपॉन थ्री, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये मैंने आज आपको जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, खासकर ये दोनों क्वेश्चन फाइव प्लस फोर साइन एक्स और फाइव प्लस फोर कॉस एक्स, तो ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट पैटर्न में आपको आगे का इंटीग्रेशन, बहुत जल्दी हम इंटीग्रेशन की इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएंगे, और आपका कोर्स टाइम में कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूंगा। ओके थैंक यू।